एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज 48 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर दिस बी एंड सी वर्क फॉर 2 डेज एंड देन बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क डन बाई सी If they got RS 6 at 40 for the whole work, then find the share of C. देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन में क्या गिवन था कि A, B और C किसी काम को कितने दिन में करते हैं इंडिविजुअली 32 डेज में 48 डेज में और 24 डेज में. तो आप वर्क यूनिट कैसे अज्यूम करते हो बच्चों? एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से इजिली डिविजिबल हो. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क डन कितना है 96 यूनिट. तो A अगर 32 डेज में 96 यूनिट कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 3 का यूनिट. बी अगर 48 डेज में इतना काम कर रहा है तो पर डे कितना करेगा 2 और सी कितना करेगा 4 यूनिट. देखो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा. तो मेरा टारगेट है कि ए बी और सी का इंडिविजुअल वर्क डन टोटल निकाल देते हैं. अब केस वन में क्या गिवन था कि ए बी और सी कितने दिन के लिए काम करते हैं टुगेदर 4 डेज के लिए. तो ए 4 डेज में कितना काम करेगा 3 एवरी डे काम कर रहा है तो 3 × 4 = 12. बी कितना काम करेगा फर्स्ट 4 डेज में ये 8 और सी कितना काम करेगा बच्चों 16. तो हम ए बी सी के इंडिविजुअल वर्क को एक एक करके सेपरेट लिख देते हैं. ए ने 12 किया, बी ने 8 किया और सी ने फर्स्ट केस में 16 किया. अब कह रहा है इसके बाद ए चला गया है तो ए तो अब अवेलेबल नहीं रहेगा. अब कौन होगा? अब होगा बच्चों बी और सी अवेलेबल और वो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 2 डेज के लिए. तो बी फर्दर 2 डेज में 2 के रेट से कितना काम करेगा 4 और सी 2 डेज में कितना काम करेगा 4 × 2 = 8. तो ए ने फर्दर कितना काम किया 4 और सी ने फर्दर काम किया 8. तो अभी तक टोटल एक सी का वर्क डन कितना है 24, बी का वर्क डन कितना है 12 और ए का भी वर्क डन कितना है 12. इसके बाद कह रहा था कि बी भी चला गया है तो अकेले अब कौन होगा? वो होगा सी काम करने के लिए. तो टोटल वर्क डन और सी ने कितना किया होगा 96 एंड माइनस इन सभी वर्क डन का सम जो कंप्लीट हो चुका है तो ये कितना है बच्चों 48. तो यहां से आ जाएगा ये 48. तो सी का टोटल वर्क डन कितना होगा 24 एंड प्लस 48 तो ये वैल्यू आएगा बच्चों 72. तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा. तो सी का शेयर कैसे निकालोगे आप? 72 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डन कितना था 96 इंटू आप क्या लिखोगे 6840 और यही होगा सी का शेयर. 24 से ये 4, 24 से ये 3, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 × 4 होता है 68 और ये 10. तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 5130. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.